आई एम कमिंग माई ओन वर्ल्ड, लेट्स गो, सर्वाइवल सीरीज फिर स्टार्ट होने वाली है, 3, 2, 1 एंड वेट व्हाट, हेलो यार ये मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ यार, मेरे को अपने वर्ल्ड में होना था अभी, ये मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ यार। हेलो भाई यहाँ पे एकदम खुला है, बट यार ये पूरा बेडरॉक कहाँ से आ गया, मैं तो टाइम ट्रेवल कर रहा था अपने घर के लिए। हीरो ब्राइन हियर, स्माइली फेस, व्हाट, मतलब हीरो ब्राइन ने टाइम ट्रेवल में कुछ तो गड़बड़ करी है। क्या लिखा है यहाँ पे, टू कम्प्लीट टाइम ट्रेवल एस्केप फ्रॉम हीरो ब्राइन। हीरो ब्राइन का मतलब है अगर तेरे को अपने घर जाना है तो सबसे पहले तेरे को ये प्रिजन एस्केप करना पड़ेगा। भाई पता नहीं यार उसने कैसे है टाइम ट्रेवल यार कैसे गड़बड़ हो सकता है यार, मैंने सब कुछ एकदम सही से किया था एंड लगता है ये हीरो ब्राइन की कोई चाल है, बट मेरे को अपने वर्ल्ड में जाना है भाई, बहुत हो गया है। हैंग ऑन अ सेकंड, फर्स्ट इस बटन को दबाना ही पड़ेगा मुझे, 3, 2, 1 एंड वेट, ठीक है यहाँ पे कुछ ये पड़े हैं यार, पर कोई नहीं यार, हार नहीं माननी यार, अपने वर्ल्ड में अपने को जाना ही है कैसे भी करके, क्योंकि हार नहीं मानेंगे, हौसले इतने बुलंद है, बड़े बड़ों को हरा देंगे, और जरा सा वेट तो करो, घर से पाव तक तो मैं पूरा हिला देंगे। तो यार फटाफट इसको तोड़ते हैं एंड इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं, लेट्स गो। भाई मुझे लगा था इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि यार अब हीरो ब्राइन तो चोमू है नहीं बिल्कुल एक नंबर का, कि भाई ऐसे बोल दिया निकलो यहाँ से। यार मेरे को इतना पता चल रहा है कि यहाँ से हम ट्रैप डोर बना के निकल सकते हैं, सो या फटाफट से पहले इसको कन्वर्ट करते हैं प्लैंक में। ये आ गई अपनी क्राफ्टिंग टेबल, इसको रखा यहाँ पे, लेट्स गो। एकदम भाई इनफ ब्लॉक दिए उसने ट्रैप डोर बनाने के लिए एंड अपना ट्रैप डोर बन गया, एंड मैं यार अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी उठाऊंगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। फटाफट से यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल भी उठा लेते हैं, ट्रैप डोर लगाते ही लेट्स गो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा। सामने एक दरवाजा, वेट व्हाट, हेलो भाई दो ट्रैप डोर बने थे, मेरा एक ट्रैप डोर कहाँ गया पता नहीं यार, ये क्या हुआ लेकिन। तो यार मेरे को दो ब्लॉक ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे यहाँ पे, इधर तक तो बेड तक मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है एंड यहाँ पे एक डोर है तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, लेट्स गो। भाई ये टूट रहा है, भाई हीरो ब्राइन तेरे को पता नहीं है तेरा किस प्रो से पाला पड़ा है, लेट्स गो। यहाँ से इसको तोड़ा एंड मेरे को लगता है यहाँ पे ऐसे ये डोर ग्लिच करना पड़ेगा अपने को, ये ऐसे, एंड क्या मैं ये डोर को वापस ले सकता हूँ। भाई हर चीज मैं उठाना चाहूंगा पता है क्या, क्योंकि मेरे को नहीं पता है क्या ही सीन हो सकता है। लेट्स, नहीं मिला यार, चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से यहाँ पे तो आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैंने अपना रिस्पॉन्स सेट कर लिया सो के, एंड यहाँ पे एक चेस्ट दी हुई है जिसमें कुछ ये चीज है एंड वेट यहाँ पे एक और चीज है। वो भाई मेरे को लगा ये लावा में चला गया, एंड इससे होगा क्या वैसे, क्या होगा यार यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई मेरे को वहां तक जाना है एंड नीचे वॉइड है, ये तो ये मैं कैसे करूंगा मेरे को नहीं पता। इन्हें एक कॉबल स्टोन दे रखा है, एक स्टिक दे रखा, मेरे समझ में क्योंकि आ नहीं रहा है इसका क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन वेट यहाँ पे लीवर भी दिया है तो सारी चीज तो मैंने इकट्ठा कर ली है एंड बेड आ गया यहाँ पे, लू भाई बचाऊ मैं एंड आई थिंक यार मैं इजीली कर सकता हूँ इसको, इतना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसमें। यार जंप वम्प करने में तो मैं एक नंबर का प्रो हूँ ही, बट मेरे को यहाँ से एक छोटी सी जंप करनी है, लेट्स गो। वो भाई बचाऊ एंड यहाँ से तो इतनी सी जंप है एंड ये हो गई, लेट्स गो। एंड वेट व्हाट, यहाँ पे क्या है, ओके सो यहाँ पे मुझे एक शॉट दिया है, वो भी मेरी सारी चीजें गायब कहाँ हो जाती है यार, ये कैसे हो रहा है पता नहीं, कौन से सेंसर लगा रखे हैं इनने, सारी चीजें गायब। एंड यहाँ पे वुडन सॉर्ड है जो बहुत ही कम हेल्थ है जिसकी, तो आई थिंक वुडन सॉर्ड से मेरे को यही तोड़ना है एंड मेरे को इतना मालूम है पता है, जैसे ही ये लास्ट वाला तोड़ूंगा ये वुडन सॉर्ड गायब, लेट्स गो, पता था भाई। एंड इस वुडन सॉर्ड से बन सकता है एक वूल एंड एक क्राफ्टिंग टेबल तो है ही अपने पास, तो एक क्राफ्टिंग टेबल जाएगा इधर एंड ये वूल जाएगी इधर एंड वी आर आउट। भाई अब ये क्या सिस्टम है, यहाँ पे ये चीज दी हुई है ये निकाल लो, सर ये सारी चीजों से बन रहा है एक मशरूम स्ट्यू, तो पता नहीं इससे क्या करना है। आई थिंक मैं पूरे मशरूम स्ट्यू बना लेता हूँ, मेरे को आगे का नहीं पता क्योंकि वेट एक ही बना सकता हूँ मैं एक टाइम पे। एक क्राफ्टिंग टेबल भी उठा लेता हूँ भाई, पता नहीं कहाँ पे क्या काम आ जाए, तो आई थिंक इसको मैं रख, तो ये स्लैब अपना इधर कुछ जाएगा एंड यहाँ से मैं बाहर आ गया, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स सेट कर लिया एंड ये शल्कर की भाई जब से आवाज आ रही थी, वेट
मेरा मशरूम स्टू गायब हो गया। गेट शलकर लोल। अरे भाई हैंग ऑन अ सेकंड भाई, ए, 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 मारना मत बस मेरे को ऊपर चढ़ जान दो। ओए ओए शिट 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 शिट, पानी पानी में जंप करना है, पानी में जंप करना है, पानी 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 में जंप होना चाहिए यार, ये तो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है। एंड लेट्स गो पानी में, पानी में। एंड अब ये क्या चीज है, यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल दी हुई है, एक ग्लास है एंड एक नोट, इसे क्या कहते हैं पता नहीं, नोट ड्रम। तो एक क्राफ्टिंग टेबल में फटाफट से उठा लेता हूँ। एंड मेरे को पता था इसके पीछे कुछ तो है, ये मिल गई डिस्क, ये लो। तो यार ये डिस्क का कुछ तो काम होने वाला है, लेट्स गो। ये खुला 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 खुला। वो भाई अच्छा है मैं यहाँ पे अंदर नहीं था, नहीं तो ये जैसे ही गाना बंद हो जाता मैं खत्म हो जाता लिटरली। नहीं 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 यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यार यहाँ से मैंने लैडर बना लिया एंड आई थिंक ये लैडर से मैं चढ़ के ऊपर जा सकता हूँ। भाई यार ये जो मेरे को चार प्लैंक मिले थे मैंने उससे लैडर बना के ये सब किया एंड पता नहीं। एंड यहाँ पे चेस्ट है और चेस्ट में आयरन ब्लॉक एंड एक ये एंड ये मिला है, तो इसको भी चक लो फटाफट से एंड ये सारी चीजें भी तोड़ लेते हैं। एंड वेट इसके पीछे एक आयरन डोर है एंड यहाँ पे कुछ तो है पता नहीं, बट यहाँ पे एक आयरन डोर है एंड यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल एंड ये। तो एक काम करते हैं इसको तो पहले स्मेल्ट करने डाल देते हैं जहां तक मुझे पता है। सर प्रेशर प्लेट मैंने बना लिया, प्रेशर प्लेट को रखते हैं एंड यहाँ से स्टिक मिली है बहुत सारी। भाई पता नहीं है हीरो ब्राइन ने कैसे ट्रैप में मुझे ट्रैप कर रखा है। यहाँ से फटाफट से सारी स्टिक उठाओ एंड अब क्या करूँ यार। अच्छा 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 है सेकंड मेरे पास ये तो है, ये मिल गया अपने को एक ये एंड इससे बन जाएगा एक लीवर, लेट्स गो। आई थिंक लीवर ही बनेगा इससे एंड लीवर से ये खुल सकता, लीवर से ये तो खुल ही सकता है। भाई ये देखो लोल वाला सीन हो जाता अपने साथ, मैंने पूरी सैंड इधर से उधर खाली करी तब जाके मुझे यहाँ पे, यार पहले यहाँ पे तोड़ लेता ना। एंड आई थिंक ये जो लीवर था वो अपन को यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगाना, जस्ट लाइक दिस यहाँ पे लगाया एंड ये खुल गया। एंड यहाँ पे मिले अब कुछ इंगट, इंगट के आयरन बन सकता है एंड फर्नेस क्यों दे रखा है यार। यहाँ से बाहर निकलने के लिए आई थिंक प्रेशर प्लेट तो बना सकता हूँ, तो फिर फर्नेस पता नहीं तो शायद ऐसी फर्नेस शायद यार हीरो ब्राइन ने चकमा देने के लिए बनाया। सारी चीजें मैं एक काम करता हूँ ले लेता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है क्या। भाई मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ, जो जो मुझे मिल रहा है सब मैं लेते चल रहा हूँ। यार ये फिर स्कैम हो गया यार, यहाँ पे आया मेरी सारी चीजें गायब कर दी। हैंग ऑन अ सेकंड यहाँ से नीचे उतर जाऊँ। ये भाई दीवार पे कैसे चिपकी हुई है चीज। एक और लेट्स गो। सो ये मुझे मिले तीन एंड एक ये मिला है जिससे मैं एक बटन बना सकता हूँ आई गेस। लेट्स गो बटन तो बना लिया है एंड ओके। सो यहाँ पे लेट्स गो, मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। ये देखो ये देखो ये देखो, इससे एक ब्लॉक बन जाएगा मुझे पता ही है। एंड इसको मेरे को यहाँ पे ऐसे करके कुछ पुट करना है जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ से बाहर। लेट्स गो भाई मैं बहुत ज्यादा प्रो हो रहा हूँ यार, एक्चुअल में बहुत मजे आ रहे हैं मुझे। हीरो ब्राइन के ट्रैप में डर लगना चाहिए पर पता नहीं क्या हो रहा है। लेट्स गो यहाँ पे सीड, भाई मैं तोता हूँ क्या, सीड खाऊंगा। चलो कोई नहीं, इसको ये भी उठ सकता है क्या यहाँ से, एंड नहीं ये नहीं उठ सकता। भाई ये कहाँ कहाँ पे चीजें छुपा रखी हैं, हीरो ब्राइन बहुत तेज है भाई ये बंदा। यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ से लगता है अपने को बाहर जाना है। ओके सो एक डर्ट हमें मिली है, ओ हो सो यार ये डर्ट को नहीं, ये डर्ट को यहाँ पे रखना है आई गेस एंड ये सीड को पकाना है। ओके शबल मारी एंड सीड को ग्रो किया, अरे कितनी जल्दी ग्रो हो रही है भाई। इतनी जल्दी अगर ग्रो होने लगे ना भाई रियल लाइफ में सीड, इतनी जल्दी वीट बढ़े अपने नॉर्मल सर्वाइवल वर्ल्ड में तो कितने ज्यादा मजे आ जाएंगे। एंड अब भाई मैं अब कुछ लेके जाने वाला नहीं हूँ इधर से, ऐसे भी कुछ ले जा नहीं सकते, तब भी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि भाई इन लोग गायब कर देते हैं। एंड ओके सो यहाँ से तो आ गए एंड वेट वॉट, यहाँ पे किसी चीज का स्पॉन, स्पाइडर स्पॉन रख। नहीं 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 यहाँ से निकलूंगा कैसे, लेकिन मैं भाई स्पाइडर स्पॉनर है यहाँ पे, मेरे को डर लग रहा है। आई डोंट थिंक यार मुझे ये तोड़ना चाहिए लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंडरमैन
एंडलेस को यार मैं यहाँ से एंडरमैन को मार सकता हूँ, ये मेरे को कुछ कर भी नहीं पाएगा, बस मर जा जल्दी मर जा भाई। तो इनको मार के मुझे एंडरपल तो मिली गई है, बस मुझे करंट लगाना है एंड लेट्स गो भाई। लग गया भाई, इसके बीच में से निकाला है मैंने, लगा नहीं था हो पाएगा लेकिन ठीक है लेट्स गो। एंड यहाँ पे भाई ये सारी कुछ चीजें मिल गई है भाई, इतने सारे ब्लॉक्स। ओ समझ गया, शायद ये चीज करके जान। लेट्स गो, लास्ट लास्ट लास्ट, दूर लग गई लेकिन ओके सो हो गया भाई। ग्रेवल यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी भाई, तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं भाई। तो यार यहाँ पे बो एन एरो दिया एंड मेरे को पता है यहाँ से क्या करना है भाई, फटाफट से एकदम से यहाँ पे मारो। ये तो कुछ हुई नहीं, वेट ये मारने पे देखो मेरे को चीजें मिल रही हैं। देखा इसलिए मैंने ये लॉक का यूज नहीं किया, मुझे पता था इसका कुछ ना कुछ यूज होने वाला है इधर। ओके भाई साहब मैं यहाँ पे ऐसी तोड़ रहा था एंड देखो पेंटिंग के पीछे कुछ अलग ही रास्ता है। अप्रैल फूल लॉल, यार जुलाई के महीने में अप्रैल फूल कौन मनाता है भाई, पागल हो क्या भाई। मुझे लगा था यहाँ से रास्ता होगा बट नहीं है, सही में अप्रैल फूल बना दिया हमारा। तो यार फायर रेजिस्टेंस का पोशन मैंने बना लिया, इसको फटाफट से पीते हैं। एंड फायर रेजिस्टेंस की अपने में वो लग गई, मतलब इसके नीचे पक्का रास्ता होने वाला है भाई, बहुत ज्यादा प्रो हो रहा हूँ यार। अच्छा लेट्स गो भाई, लावा से नीचे आ गए एंड वेट ये क्या लिखा है, हीरो ब्रायन विल टेक रिवेंज। आई थिंक भाई मैंने ये पार कर लिया है, लेट्स गो भाई एंड 100 लाइक फॉर मोर भाई ये इसको मेरी फीलिंग्स कैसे पता चले। तो 100 लाइक कर दो तुम लोग एंड योर वर्ल्ड नेक्स्ट कमिंग सून, नेक्स्ट कमिंग सून भाई। यहाँ पे लिखा है हीरो ब्रायन विल टेक रिवेंज, सो या आई डोंट थिंक सो, पर अपने वर्ल्ड में चलते हैं। लेट्स आई थिंक ये फ्लाइंग लामा हमें अपने वर्ल्ड में ले जाएगा, लेट्स होप सो ये अपने को अपने वर्ल्ड में ले जाए।